हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो और उसमें अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको ऐसे तीन टिप्स दूंगा जिसको फॉलो करने के बाद आप किसी भी सब्जेक्ट में वीक हो तो उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हो और उसको काफी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारी टिप नंबर वन है कि रोज पढ़ो। अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो और उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो कोशिश करो कि उस सब्जेक्ट को आप रोज पढ़ो। अपने दिन में से थोड़ा टाइम उसके लिए जरूर निकालो, क्योंकि अगर हम किसी सब्जेक्ट को रोज पढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके वो हमारा काफी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और उसमें काफी अच्छे मार्क्स हम ला पाएंगे। अगर आप भी किसी सब्जेक्ट में वीक हो तो कोशिश करो कि उसको हर रोज उसको थोड़ा बहुत टाइम दो और उसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ताकि उस सब्जेक्ट को आप काफी अच्छी तरह समझ पाओ और धीरे धीरे करके आपका स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। ये हमारी टिप नंबर वन की रोज पढ़ो, ये काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। इसको जरूर यूज करो। आपका कोई सब्जेक्ट वीक हो तो उसको रोज पढ़ो। ये हमारी टिप नंबर वन। और हमारी टिप नंबर टू है कि टाइम टेबल बनाओ। अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो और उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो अपना एक टाइम टेबल जरूर बनाओ, क्योंकि काफी टाइम ये होता है कि हम सोचते रहते हैं कि शाम को पढ़ूंगा, सुबह पढ़ूंगा, दोपहर को पढ़ूंगा, ये सब सोच के हम पढ़ते ही नहीं है और अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा ही करते हो तो कोशिश करो कि अपना एक टाइम टेबल जरूर बनाओ और अपने दिन में से थोड़ा सा टाइम अपनी पढ़ाई को जरूर दो और उस टाइम पे आपको पढ़ना ही है। ये नहीं है कि थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, टाइम दे रखा है उस टाइम पे तो आपको किताब लेके बैठना ही है और थोड़ी देर जितनी देर आप अपना पढ़ाई का टाइम दो उतनी देर आपको पढ़ना ही है। कोशिश करो कि अपना एक टाइम टेबल बनाओ, धीरे धीरे करके आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आदत बन जाएगी और आप बाद में सब्जेक्ट को काफी अच्छा कर पाओगे और इसमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हमारी टिप नंबर टू यही है कि टाइम टेबल बनाओ, नहीं तो आप ऐसे ही सोचते रहोगे कि बाद में पढ़ूंगा, थोड़ी देर बाद में पढ़ूंगा और आप पढ़ोगे ही नहीं। हमारी टिप नंबर टू यही है कि टाइम टेबल बनाओ। और हमारी टिप नंबर थ्री है कि ध्यान से पढ़ो। अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो और उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो हमारी टिप नंबर थ्री है कि ध्यान से पढ़ो। ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हो, आपने टाइम टेबल बना लिया और आप किताब खोल के बैठ गए, लेकिन आपका ध्यान कहीं और पे ही है, या आप मोबाइल में लगे पड़े हो या उसमें कुछ कर रहे हो, तो ये सब नहीं चलेगा। अगर आप पढ़ रहे हो, आपने एक टाइम दे दिया अपना पढ़ाई का, तो उस टाइम पे आप पूरे ध्यान से पढ़ाई करो, क्योंकि अगर ऐसे ही बैठ के पढ़ना या टाइम वेस्ट करना तो इसके कोई फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा कुछ कर लो, खेल ही लो, आपका मनमर्जी काम कर लो। अपना टाइम वेस्ट मत करो और जब भी पढ़ रहे हो, जितने भी टाइम पढ़ रहे हो, तो कोशिश करो अच्छी तरह ध्यान से पढ़ो, तभी जाके वो आपकी हेल्प करेगा और उसमें आप अच्छे बन पाओगे, उस सब्जेक्ट को स्ट्रांग बना पाओगे। हमारी टिप नंबर थ्री है कि ध्यान से पढ़ो। ये थी हमारी तीन टिप्स जिसको फॉलो करने के बाद आप अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। तो चलिए इसका रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमारी टिप नंबर वन की रोज पढ़ो। अगर आप किसी सब्जेक्ट को अच्छा करना चाहते हो तो कोशिश करो हर रोज उसको पढ़ो, हर रोज अपने दिन में से थोड़ा टाइम उसके लिए निकालो, तभी जाके धीरे धीरे करके आप उसको स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। और हमारी टिप नंबर टू है कि टाइम टेबल बनाओ। काफी टाइम ये होता है कि हम सोचते हैं कि सुबह पढ़ूंगा, दोपहर को पढ़ूंगा, शाम को पढ़ूंगा, ये सब सोचते रहते हैं और हम पढ़ते नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो अपना टाइम टेबल बनाओ और अपने दिन में से थोड़ा सा टाइम अपनी पढ़ाई को दो और उस टाइम पे आप पढ़ाई करो, तभी आपकी हेल्प होगी और सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। और हमारी टिप नंबर थ्री है कि ध्यान से पढ़ो। काफी टाइम ये होता है कि हम टाइम टेबल बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और ही रहता है, हम मोबाइल में लगे रहते हैं या उस टाइम पे कुछ और करते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आपने अपना टाइम टेबल बना लिया और आपने पढ़ने की सोच ली तो उस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगे, पूरे ध्यान से पढ़ो, तभी जाके आपकी हेल्प होगी, आगे जाके उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। नहीं तो इसका कोई फायदा तो होगा ही नहीं, आपका ध्यान कहीं और है, उसमें आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा कुछ आपका मनपसंद काम कर लो, जिसको जो आपको अच्छा लगता हो। अगर आप पढ़ रहे हो तो पूरे ध्यान से पढ़ो। ये हमारी टिप नंबर थ्री। ये थी हमारी तीन टिप्स। अगर आपको हमारी टिप्स अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाथ फॉर सक्सेस। थैंक यू।